हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 2024 में मैथ सब्जेक्ट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान के जो सवाल आते हैं सीटेट में, उनको हम कैसे बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है कि 6 5 4 7 2 में 5 का, यानी कि इसका 5 का स्थानीय मान ज्ञात करूँ। देखो, स्थानीय मान जब ज्ञात करना हो, जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है, यहाँ पर देखो 5 का पूछ रहा है। 5 कहाँ पर, ये इसको हम इस लाइन में खींचेंगे और जिस संख्या का पूछेगा उसको यहाँ पर लिख लिए। 5 का पूछ रहा है, 5 लिख लिए। और 5 के आगे देखो 1 2 3 अंक लिखे हैं, 1 2 3 अंक लिखे हैं, तो हम 3 0 लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर है क्या कि ये जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है, मान लिया यहाँ पर 5 का पूछ रहा है, तो 5 के नीचे हमने एरो लगा लिया। 5 के बाद देखे 1 2 3 अंक थे, तो मैंने क्या 3 0 बढ़ा दी, यही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पे देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 4 7 2 4 5 9 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है कि 4 के स्थानीय मानों का योगफल आपको निकालना है। तो देखो, एक ये 4 दे रखा है, एक ये 4 दे रखा है, तो इनका हमको क्या करना है, योगफल स्थानीय मान निकाल लेना है। तो यहाँ इस 4 का हम निकालेंगे, तो इस 4 का निकालेंगे, तो ये 4 लिख लिए और 4 के बाद देखो 1 2 3 4 5 कितने 0 लगा दें, 5 2 3 4 5 ये हो गया। फिर एक ये 4 है, इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। फिर हमने 4 लिखा, 1 2 कितने 0 लगा दें, 2 0, ये हो गया हमका 4 का स्थानीय मान। लेकिन कह रहा है कि इनके 4 जो निकलेगा इसका योगफल निकालना है, तो इसमें हम जोड़ देंगे। पहला देखो 1 2 3 4 5, इसमें हम क्या जोड़ दें, 400 जोड़ दें, हमारा आंसर 004004 क्या आ जाएगा, 400400। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अगले प्रश्न नंबर 3 है कि 5 4 7 2 9 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। स्थानीय मान आप निकालना सीख गए, बात करेंगे जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान का दूसरा नाम होता है अंकीय मान। क्या कर देते हैं कभी कभी, जातीय मान की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं अंकीय मान, यानी अंकित मान क्या होगा, बात एक ही होगी, चाहे जातीय मान कहें चाहे अंकित मान कहें। तो स्थानीय मान निकालना सीख गए, जातीय मान क्या होता है, तो पहले बात करेंगे 7 का स्थानीय मान। 7 यहाँ पर है, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो हम 7 लिख लिए और 7 के बाद 1 2 यानी 2 0, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। अंकीय मान की बात होती है, जातीय मान की बात होती है, 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, तो वही होगा, क्या हो जाएगा, जो लिखा होगा वही हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम 2 का जातीय मान पूछे 2 ही होगा, 5 का स्थानीय मान जातीय मान पूछे तो 5 ही होगा, 4 का पूछे 4 ही होगा, 7 का पूछे 7 ही होगा, 9 का पूछे 9, यानी जातीय मान जिस संख्या का पूछेगा वही सेम संख्या होगी, उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं। क्लियर है, तो इसके बाद में इसमें अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस कर देंगे। अंतर का मतलब क्या है, इनमें माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखो 10 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 6, कितना आंसर आ जाएगा, 693। ऑप्शन हमारा सी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी जो होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, 2 0 5 4 7 5 1 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। यहाँ पर 5 के स्थानीय मान निकालना है, तो हम पहला 5 हमारा कहाँ है, ये दे रखा है, दूसरा 5 ये दे रखा है, इन दोनों का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 5 का स्थानीय मान निकालोगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 5 के बाद कितने हैं, तो 4, और इस वाले 5 का स्थानीय मान निकालोगे कितना हो जाएगा, 5 लिखेंगे, इसके बाद 1 है तो 1 0। यहाँ तक क्लियर है, स्थानीय मान निकालना सीख गए। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 लिखे, इसके बाद 1 2 3 4, 4 लिखे तो 4 0 बढ़ा दिए, और फिर इस 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो 5 और 5 के बाद 1 अंक लिखा दिए। अब इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, घटा देंगे इसमें से, तो यहाँ पर माइनस कर दें, इसमें से हम क्या 50 माइनस कर दो, घटाओगे यहाँ 0, यहाँ पर जो है 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 49 95 0, कितना आ जाएगा, 4 9 9 5 0, किस ऑप्शन में है, 4 9 9 5 0, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। बात कर लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी आपसे पूछे कि इतने अंकों की बड़ी संख्या, तो हम 4 अंकों की जब बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या पूछे जितने अंकों की उतनी बार 9 9 लिख लेंगे। यहाँ पर 4 पूछ रहा, तो 4 बार 9 लिख लेंगे। सपोज करो आपसे पूछता
तीन अंकों की बड़ी संख्या तो हम 3 बार 9 लिख लेते हैं, 10 अंकों की बड़ी संख्या तो 10 बार 9 लिख लेते हैं, 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिख लेते हैं। यहाँ पर पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिख लिए। बड़ी संख्या से प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे, क्लियर। चलो आप पूछ रहे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिखें तो यहाँ पर देखो 3 अंक होने चाहिए, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसको कैसे लिखेंगे, जितने अंकों की पूछ रहा है यहां पर देखो 3 अंकों की पूछ रहा है तो इसमें हमको 3 1 लिखेंगे, 2 0 बढ़ा लिए। 4 अंकों की पूछता क्या करते, 1 लिखते और 3 0 बढ़ा देते, ये 4 अंकों की होगी। 5 अंकों की पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, 1 लिखेंगे तो 4 0 बढ़ा देंगे, 4 0 बढ़ा दिए। यानी छोटी संख्या जितने अंकों की पूछेगा, 6 अंकों की पूछेगा तो 1 लिखेंगे 5 0 बढ़ा देंगे, क्लियर है। यहाँ पर 3 अंकों की पूछ रहा है तो 1 लिखे 2 0 बढ़ा दिए, ये छोटी हो गई। अब इसका योगफल निकालना है, योगफल का मतलब क्या होगा, जोड़ देंगे, जोड़ोगे तो यहाँ 9 9 9 1 10 का 0 हाँ से मिला 1 9 1 10। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर क्या आ गया, 1009 1009, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। आई होप आप लोग स्थानीय मान, जाति मान, इनका योगफल, इनके अंतर से जो प्रश्न आएंगे आप बेहद आसानी से उनको कर पाएंगे। चलो आगे फिर एक और प्रश्न देख लेते हैं, अगला देखो आगे क्या प्रश्न कह रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 12 से भाग दिया जाए तो शेष फल बचेगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है उसको आप पढ़ो, फिर जो जो कह रहा है आप वही वही करते चले जाओ, आपका आंसर 100% मिलने वाला है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, 1 2 3 ये लिख लिया भाई, जितने अंकों की पूछेगा बड़ी संख्या उतने 9 बना देते हैं। फिर क्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 3 अंकों भैया सबसे छोटी संख्या लिख लो, तो क्या लिखे, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। फिर कह रहा है कि अंतर, अंतर का मतलब इनको हम माइनस कर लें, माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 9 9 और 8, ये हमारा अंतर आ गया। संख्या के अंतर को जब 12 से भाग, यानी इसको हम 12 से भाग कर लेते हैं, किसको, ये 8 9 9, इसको 12 से भाग कर लो, 12 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 12 से भाग करोगे तो 12 5 60, 12 6 72 62 84, 12 98 ज्यादा हो जाएगा, 12 7 84। माइनस करोगे 9 में से 4 गया 5, यहाँ 8 में से कुछ नहीं, यहाँ बच गया 9, कितनी बार लग जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 9 में से 8 गया 1, 5 में 3, क्या बचा, 11। कह रहा है 12 से भाग दिया जाए तो शेष फल बचेगा, कितना शेष फल बच रहा है, देखो कितना बच रहा है, 11। आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आप देख रहे हो सवाल देखने में कितना हाई फाई लग रहा है, सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है, बट इसमें कोई दम था आप ही समझो। क्या कह रहा था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, भैया बड़ी संख्या जब निकालना होगा, 3 अंकों को बोले, 10 अंकों को बोले, 3 अंकों को पूछा है तो मैंने 3 बार 9 9 लिख दिया बड़ी संख्या, और जब छोटी संख्या पूछेगा, 3 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है तो 2 0 बढ़ा देंगे, 1 लिख देते हैं। इसका अंतर, इसका पूछ रहा है अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, इसमें माइनस कर लेंगे तो इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद हमको ये प्राप्त हो गया। फिर कह रहा है अंतर को जब अंतर आया उसको जब 12 से भाग दिया जाए तो हमको शेष क्या बचेगा, तो इस 12 से इसको हम भाग कर दिए तो शेष हमारा देखो क्या बच रहा है, 11 बच रहा है, यही आपसे पूछा गया था, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न है सत्य असत्य कथन को पहचानना है, आपको असत्य कथन यानी गलत जो होगा उसको बताना है। एक अभाज्य संख्या है, आपसे पूछा गया है कि एक जो है ये अभाज्य संख्या है, इसमें आपको गलत बताना है। उसने कहना कि एक अभाज्य संख्या है, ये सही बात है कि गलत बात है, तो ये तो भैया क्या है, गलत बात है। एक अभाज्य, नोट कर लीजिएगा आप, नोट करके लिखो, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, लिखो कॉपी पे लिखो, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। बात करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये वाला प्रश्न तो गलत हुई है, ये तो नहीं होगा। कह रहा 2 5 7 19 अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल सही बात है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ शुरुआत होती है, 2 से। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो अपने आप से और एक के अलावा किसी से ना कटे। जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं 5, तो 5 किससे कटेगी, या तो 5 से भाग करो, 5 से कटो तभी कटेगा, तो 1 से कटे और दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, तो 5 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। हम बात कर लेते हैं 9, 9 काटेंगे 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 9 कट गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। जो संख्या किसी अन्य संख्या से कट जाएगी वो भाज्य होगी, और जो ना कटेगी वो अभाज्य होगी। तो एक एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। तो यहाँ पर कह रहा है 2 5 7 19 ये अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अब यहाँ पर देख लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, उसके बाद में 3, फिर आगे 5, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद में 13, ये अभाज्य संख्या है आपकी। तो पूछ रहा है सबसे छोटी विषम, विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या 3 है, तो देखो ये तो सम हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम कितनी है, 3 है, तो ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी।
क्लियर है। फिर कह रहा है चार की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, जब भी कभी पूर्ववर्ती पूछा जाए तो इसका मतलब है वो जो संख्या दे रखी होती है उसमें से एक माइनस करना होगा। यहाँ चार की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो चार में से एक माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, तीन आना चाहिए, है ना। अब जब पूर्ववर्ती पूछेगा तब एक माइनस करेंगे, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती पूछेगा तो हम उसमें एक जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा जब पूर्ववर्ती पूछता है तो उसमें एक माइनस करते हैं, जो संख्या दे रखी है उसमें माइनस करते हैं, और जब भी कभी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती दोनों में से कोई पूछेगा तो वहां पर हम एक प्लस करते हैं। तो यहाँ पर पूछा चार की पूर्ववर्ती संख्या चार से छोटी होगी, तो चार से तो छोटी है, देखो तीन है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो देखो तीनों सत्य है, पहला वाला असत्य है, तो हमारा आंसर भी कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।